हाय दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बटर नान रोटी। और उसके लिए हमें चाहिए 150 ग्राम दही, मैदा लेना आधा कटोरी, बेकिंग सोडा लेंगे आधे चम्मच से भी कम, बेकिंग पाउडर लेंगे आधा चम्मच, नमक लेंगे आधा चम्मच, शक्कर लेंगे आधा चम्मच, तिल लेंगे ज़रूरत के हिसाब से। यहाँ पे मैंने व्हाइट तिल का इस्तेमाल किया, आप चाहे तो ब्लैक भी कर सकते हैं। घी लेना है हमें ज़रूरत के हिसाब से, और थोड़ा सा हरा धनिया लेंगे। सब में पहले एक थाला लेंगे, हमें आटा गूंदना है। तो पहले मैं डालूंगी मैदा, और मैदे को थोड़ा साइड में बीच में फैला देंगे। उसके बाद में इसमें मैं नमक डालूंगी, बेकिंग सोडा डालूंगी, बेकिंग पाउडर डालूंगी और शक्कर डालूंगी। हमें गुनगुना पानी करना है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम, तो थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे बीच में और थोड़ा इसे फूलने देंगे। शक्कर और बेकिंग पाउडर फूल चुका है, अभी हम इसमें मिलाते जाएंगे साइड साइड से आटे को, और इसमें दही ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद हमें सॉफ्ट डो बनाना है, इसे आटे को गूंदना है और हिसाब से पानी डालते जाएंगे। पहले दही से पूरे आटे को मिक्स करके लेंगे और उसके बाद में पानी ऐड करेंगे। आटा हमारा गूंद के तैयार है, बस इसमें थोड़ा सा पानी लगा, बाकी दही में मैंने आटा गूंद लिया है। तो हिसाब से पानी डालिए, ज्यादा पानी पहले ऐड मत कीजिए वरना आटा नरम हो जाएगा। अभी इसमें मैं थोड़ा सा घी ऐड करूंगी और इसे मिला देंगे हम, फिर से इसे गूनेंगे, एक दो तीन मिनट तक गूनेंगे अच्छे से। आटा हमारा गून के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं काफी सॉफ्ट हुआ है। अभी हम इसे कटोरी में फिर से रख देंगे और इसे एक घंटे तक हम फूलने के लिए रखेंगे ढक्कन से ढक के। एक घंटा हो चुका है, आटा हमारा फूल के तैयार है, ढक्कन को हटाऊंगी मैं। आटा हमारा अच्छे से फूल चुका है, अब हम इसके गोले बनाएंगे। थोड़ा इसे हाथ से मलेंगे एक मिनट तक और उसके बाद में हम अच्छे से गोले बनाएंगे। आटे के गोले बना के हो चुके हैं, टोटल यहाँ पे मैंने 8 गोले बनाए, तो 8 रोटी हमारी बन जाएंगी। अभी हम रोटी बेलना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक गोला लूंगी मैं, गोल गोल करेंगे थोड़ी देर, बस इस तरह से। अभी इसमें मैं सूखा आटा थोड़ा सा लगाऊंगी, थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे आटे को। अभी इसमें हम तिल डालेंगे, थोड़ा सा तिल डालेंगे और दबा देंगे, और थोड़ा हरा धनिया डालेंगे और इसे भी दबाएंगे। अभी बेलन से इसे बेलेंगे, इसे लंबा बेलना है हमें, तो बेलन को लंबे बेलिए, इस तरीके से लंबा बेलते जाइए। और सूखा आटा हम बेलन में लगाएंगे, रोटी में नहीं, बस लगा दिए और इसे बेलते जाना है, लंबा करते जाना है। अभी इधर करेंगे और इस तरीके से बेलते जाएंगे, थोड़ा चौड़ा करेंगे हम आटे को। अब जैसा शेप देना चाहते हैं रोटी को दे सकते हैं, गोल भी बेल सकते हैं, मैंने यहाँ पे लंबा बेला है। फिर थोड़ा लंबा करेंगे रोटी को, काफी है। अभी सूखा आटा लगाएंगे, स्प्रेड करेंगे और रोटी को हम बर्तन में रख देंगे। रोटी बेल के हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम इसे सेकेंगे।
गैस पे मैंने तवा रखी हूँ, तवा गरम हो चुका है। अभी हम रोटी डालेंगे, इस पे कोई तेल नहीं ऐड करना हमें, बस रोटी डाल देना है। तो पहला रोटी डालूंगी मैं और मीडियम फ्लेम करेंगे, रोटी को थोड़ा पकने देंगे। रोटी हमारी एक साइड पक चुकी है, इसे हम पलटेंगे अभी, बस थोड़ी देर पकाएंगे, बाद में हम इसे गैस पे भूनेंगे। बस अभी तवे को हटा देंगे और गैस पे थोड़ा सा भून के लेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा भूनना है। रोटी हमारी तंदूर हो चुकी है, अभी हम इसे प्लेट में निकालेंगे और ऊपर से घी लगाएंगे। हमारी रोटी तैयार है, इसी तरह से सारी रोटियां तैयार करेंगे। तंदूर रोटी बना के हमारी पूरी तैयार है। आप देख सकते हैं किस तरह से सॉफ्ट बनी है, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। लीजिए, तैयार है हमारी बटर तंदूर रोटी। इसे जरूर ट्राई कीजिए, और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।